चैन की फैमिली है। हाँ मुझे पता है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज के टीम व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की भुजी। तो उसके लिए मैंने लिया है एक पैन में सरसों का तेल और उसके अंदर डाला है हींग, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा प्याज जो चॉप करके रखा था मैंने। तो सबसे पहले मैं प्याज को चॉप किए हुए को भून लूँगी अच्छे से। तो मैं सिंपल सी ही रेसिपी बना रही हूँ क्योंकि सुबह मैं लंच में बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। तो प्याज मेरी भुन चुकी है तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप किया हुआ टमाटर और थोड़ा सा हरी मिर्च। और ये ना रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दिया है नमक और ये ना बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और जब ये बन जा टमाटर अच्छे से गल जाता है तो उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है हरा धनिया, मतलब वो सूखा धनिया, और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, मिर्च पाउडर जो भी था, मतलब जो भी 3-4 मसाले होते हैं वो सब मैंने ऐड कर दिए थे। और उसके बाद कद्दूकस किया हुआ मैंने इसमें ऐड कर दिया था पनीर। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी मतलब, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। अगर आप चाहो तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड नहीं की थी बिल्कुल भी, क्योंकि वो मैंने ऐड की ही नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है अनुज किचन ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 12 बजे से, मतलब अभी टाइम हो रहा है 11:15 बज रहे हैं घड़ी में, और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 11 बजे से, 11:15 बजे से, मतलब 11:15 हो रही हैं अभी। और पता है क्या है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्यों ब्लॉग स्टार्ट करने बैठी हूँ, एक्चुअली मैं बना रही हूँ मैगी। और मैंने आज पूरा दिन मतलब ब्लॉग नहीं बनाया था बिल्कुल भी, मेरा मन नहीं था क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो पूरा दिन ऐसे ही रहा था थोड़ा सा, तो मेरा मन नहीं किया बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने का। और उसका क्या था कि उसकी ना एलर्जी होने लगती है, जैसे ये वाला मौसम आता है ना, बरसात वाला मौसम आने लगता है तो उसको ना एलर्जी हो जाती है, पूरी बॉडी पर एलर्जी हो जाती है, मतलब कभी पैरों से स्टार्ट होना स्टार्ट होती है और सारे में होने लगती है धीरे धीरे, और ऐसा हो जाता है मतलब जिसे पित्ती बोलते हैं शायद हमारे यहाँ पर, तो पित्ती उछलती है इस तरह से मोटी मोटी दफा। और ये इस बार की नहीं प्रॉब्लम है, उसकी हर साल की प्रॉब्लम है, ये उसके साथ हर साल ही होता है इन दिनों में आकर। हर साल हमने डॉक्टर को सबको दिखा लिया लेकिन डॉक्टर दवाई दे देते हैं, कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्लड टेस्ट भी करा लिया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है इसका, मतलब परमानेंट इलाज नहीं बताया है, बोला कि उम्र के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, कि इन दिनों में आके हो ही जाता है इसको, पता नहीं किस चीज़ से रिएक्शन होता है मुझे नहीं पता। और अभी पता है मैं क्या करने जा रही थी, अभी 11 बज रहे हैं सवा, मतलब 11:15 हो रहा है टाइम, और मैं बना रही हूँ मैगी। हस्बैंड को मेरे को लगी है भूख और उन्होंने बोला है कि मुझे मैगी खानी है अब रात के 11 बजे। मैंने बोला दूध पी लो, नहीं दूध नहीं पीना है, मैगी खानी है। और ये आदत उनकी बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी डिमांड हुई है कि उन्हें अभी रात के 11 बजे उन्हें मैगी खानी है, उनकी बहुत बार ऐसा हुआ है कि रात को मतलब पहले ना खाना खाने के लिए मना कर देंगे और फिर बाद में बोलेंगे 11 बजे हो या 12 बजे हो सोने से पहले मुझे भूख लग रही है कुछ बना कर लेके आओ खाने के लिए। और तो अभी मैं मैगी बना रही हूँ तो सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो देखिए मेरी मैगी बन रही है, और हमारे यहाँ पे ना लेट ही सोते हैं हम लोग, ना रात को लेट ही सोया जाता है हमारे यहाँ पे ज़्यादातर। अभी सनी भी जाग रहे हैं और बच्चे भी जाग रहे हैं, अभी कोई नहीं सोया है, सभी जाग रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है, सब लोग मतलब लेट तक ही जागते हैं, देर से सोते हैं। और सुबह मॉर्निंग में तो अब तो फिर भी थोड़ा सा जल्दी उठा जाता है क्योंकि ऑफिस जाते हैं, बच्चों की क्लास होती है मॉर्निंग में, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ रूटीन बिगड़ा पड़ा था, 9 बजे उठना है 10 बजे उठना है कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं मैगी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बन रही है मेरी मैगी, और मैगी मेरी बन गई थी तो मैं इसको 2 मिनट ढककर पका रही थी, मतलब 2 मिनट ढक के पकाऊँगी। और जब मेरी मैगी ये ढककर पका लूँगी तो इधर मैं साथ में कर रही थी दूध, क्योंकि दूध का ना मुझे मलाई वगैरह भी जमानी थी थोड़ी सी और दूध भी चलाना था, तो ये मैं दूध कर रही थी। और रात में ना यही होता है, मतलब 11:30 बजने जा रहे थे और हमारे घर में मैगी बन रही है और
अभी मैंने दूध को उसको फ्रिज में रख दिया था, और जो बाकी का दूध था ना इसको मैं जामन लगा दूंगी गरम करके। तो ऐसे ही दो चार काम होते हैं जो घर में करने तो होते फ्रेंड्स हैं। देखिए बन गई है मेरी मैगी, और अभी मैं लेके जा रही हूँ उनके लिए मैगी, और मैं अपना दूध बना रही हूँ, और साथ में बना रही हूँ मैं मतलब मलाई को ना गरम करके इसके अंदर दही या जामुन लगा के रख दूंगी, तो सुबह तक ये जम जाएगा, और उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, और उसके बाद फ्रिज से निकाल के मैं इसकी मक्खन निकालूंगी और उसका फिर मैं घी बनाऊंगी। तो कल मैं ये काम करने वाली हूँ कल। तो चलिए फिर खा लेते हैं मैगी, मतलब मुझे तो दूध ही पीना है, इनको खिलानी है मैगी, और मिलती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों से मॉर्निंग में। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये ना मेरा नया मोबाइल आया था, ये मेरे हस्बैंड ने लिया था अपने लिए, और अभी ये चेंज करने के लिए वापस जाने वाला है क्योंकि ये पसंद नहीं आया इनको, तो ये अभी एक्सचेंज आने वाला है दोबारा से। तो इसको ये पैक कर रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये ना इन्होंने लिया तो था अपने लिए ही, एक्चुअली में क्या है ना, इनका पुराना वाला फ़ोन काफ़ी टाइम से 3 साल पुराना हो रहा है, तो इनका फ़ोन हैंग होने लगा है बहुत ज़्यादा, तो इनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्योंकि इनका सारा ही काम फ़ोन से होता है, क्योंकि इनका सारे ही कॉन्टैक्ट सब कुछ मतलब फ़ोन से ही होता है सब कुछ आजकल, लैपटॉप वगैरह से भी बहुत ज़्यादा काम फ़ोन पे होने लगा है क्योंकि इनका बाहर का ही काम है सारा, तो इनका फ़ोन हैंग होने लगा था, तो जिसकी वजह से इन्हें नया फ़ोन लेना था स्पेस वाला बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ये फ़ोन पसंद किया था, लेकिन घर पे आने के बाद ना ये थोड़ा पसंद नहीं आया इनको, क्योंकि एक तो ये वेट बहुत ज़्यादा लग रहा था इनको, लाइट वेट नहीं है ये, थोड़ा भारी है वजन में, इसलिए तो ये एक्सचेंज में डाल रहे थे इसको। और दूसरा मेरे को भी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब बच्चों की ना ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग दोनों का सेम होता है, और वो बच्चे उस टाइम पे मेरा फ़ोन ले लेते हैं तो सनी भी परेशान रहता है, तो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो इनका पुराना वाला फ़ोन है तो वो मैं बच्चों को दिलवा दूंगी ताकि मैं भी अपना काम कर सकूं आराम से, इसीलिए क्योंकि मेरा भी काम ऑनलाइन है आपको पता ही है, मैंने आजकल मतलब थोड़ा सा काम अपना बढ़ा लिया है वर्किंग करना ऑनलाइन, तो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, तो मैंने इसीलिए मैंने इनको बच्चों के लिए अलग से फ़ोन मतलब बोल दिया इनको। शिनचैन को बहुत पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक फ्रेंड्स। तो अभी मैं ना कपड़े उतारने जा रही हूँ क्योंकि ना हमारे यहाँ आ रही है आंधी, और मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि आंधी भी आ रही है, तो अभी मैं बाहर की तरफ देख रही थी तो आंधी आ रही है और मेरे कपड़े पड़े हुए बाहर, और सुबह से मैंने कुछ भी शूज नहीं किया था, तो देखिए बाहर ना आ रही है आंधी। तो बस यहाँ पर मैं उतार लूँगी सारे कपड़े क्योंकि सारे कपड़े मेरे नीचे गिरने वाले थे, कुछ तो गिर चुके थे लेकिन कुछ कपड़े बाकी थे क्योंकि मैंने ना सभी में क्लिप्स लगाई हुई थी वैसे तो कपड़ों में, और बाहर ना आंधी आई हुई थी, और अभी बारिश भी आ जाए तो अच्छी बात है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। तो आप लोग बताना आपके यहाँ पर कैसा है माहौल, कैसा है मौसम, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत ज़्यादा, और मैं खुद ही शूट कर रही थी, खुद ही कपड़े उतार रही थी, तो इसलिए प्लीज़ इग्नोर करें थोड़ा सा क्योंकि मेरी फिंगर आ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। और यहाँ पर ना मेरे पेड़ पौधे रखे हुए थे तो मुझे इनमें पानी भी डालना था प्लांट्स में, तो मैं अभी प्लांट्स में पानी भी ऐड कर दूँगी मतलब डाल दूँगी सब में। तो ये ना कुछ गमले मेरे नीचे रखे हुए हैं तो मैं इनमें ना पौधों में पानी ऊपर से ही डाल देती हूँ नीचे गमलों में, क्योंकि ये गमले मैंने नीचे ही रख दिए थे थोड़ा सा, और नीचे इनकी बाइक भी खड़ी हुई है, और तो मैं इनमें पौधों में पानी डाल दूंगी यहाँ से ही ऊपर से ही डाल देती हूँ क्योंकि आजकल तो इतनी गर्मी है ना, डेली पौधों में पानी डालना ही पड़ता है सुबह और शाम क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और मुझे पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है वैसे, लेकिन मेरी बालकनी बहुत ज़्यादा छोटी है और मुझे कपड़े भी यहीं पर ही सुखाने पड़ते हैं बालकनी में ही, और पता है इनसे ना छिपकली भी बहुत ज़्यादा आ जाती है पेड़ पौधों से, जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। फ्रेंड्स अभी मैंने ना सारे कपड़े उतार दिए थे बाहर से क्योंकि बाहर ना आंधी आने लगी है और बारिश आने वाली है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश आएगी, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं लेकिन बारिश आ ही नहीं रही है,
और अभी इवनिंग का टाइम है, मैं सुबह से मतलब कोई ब्लॉग शूट ही नहीं करा मैंने कुछ भी सुबह से, क्योंकि कल से मतलब नाइट में ब्लॉग स्टार्ट किया था और कल से लेके अब तक मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। क्योंकि क्या है ना कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, मैंने बताया था, उसके एलर्जी भी हो रही है, तो वो भी थोड़ा सा मतलब परेशान करी, और अभी भी उसकी एलर्जी ठीक नहीं हुई है। और मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया था तो डॉक्टर का टाइमिंग जो था वो था 2:30 से 5 बजे तक का, तो डॉक्टर नहीं मिल पाए मुझे, क्योंकि मैंने लेट फ़ोन किया था, मैंने 5:30 बजे फ़ोन किया था, तो डॉक्टर नहीं मिल पाए। और जो मेडिसिन्स रखी थी मेरे पास वो ख़त्म हो गई थी, और हस्बैंड जब ऑफिस से आएंगे तो वो दवाइयाँ लेकर आएंगे, तो इसीलिए। और बस अभी मैं इनका ही वेट कर रही थी थोड़ा सा, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, इतनी आग बरस रही ना, पता नहीं कहाँ से इतनी गर्मी पड़ रही है। और आज है 2 जुलाई, तो 2 जुलाई के दिन मेरा मतलब कुछ खास दिन है मेरे लिए, स्पेशल डे है थोड़ा सा। आज के दिन मतलब याद आ जाता है वो दिन भी, मतलब जब हम लोग पहली बार मिलते मिलते भी मतलब अजनबियों की तरह मिले थे, मतलब हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब मिले हैं, और ना मिलने के बराबर ही था। एक्चुअली में हुआ क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी शादी जो हुई थी वो रिलेशन में ही हुई थी, हमारी शादी जो हुई थी रिलेशन में हुई थी। तो हुआ क्या था कि मेरी बुआ जी की शादी, लड़की की शादी थी आज 2 जुलाई, तो उसका नाम है पूजा, तो आज उसकी शादी की सालगिरह है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पूजा और जिया जी, तो उनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। उनकी शादी की सालगिरह है आज 2 जुलाई को, और मैं पता ही क्या था, मेरी बुआ जी की लड़की है पूजा, उसकी शादी थी आज के दिन, तो मैं शादी में गई हुई थी वहाँ पर। तो भाई हम लोग तो भात लेके जाते ही, क्योंकि मेरी बुआ जी की बेटी की शादी थी और पहली शादी थी, तो हम लोग गए थे वहाँ पे भात लेकर। और इनकी जो है मौसी जी, तो मेरी जो बुआ जी हैं उनकी जिठानी हैं, तो वो उनकी ये इनकी तरफ से गए थे वहाँ पे शादी में, मेरी बुआ जी की जो जिठानी हैं उनकी तरफ से ये गए थे शादी में, मतलब उन्होंने इनविटेशन दिया था इनको भी शादी में का, तो ये शादी में गए हुए थे। लेकिन हम लोगों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था, हमको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये भी उसी शादी में हैं उस टाइम। और फुल नाइट में वहाँ पे शादी में रुकी थी, पूरी रात हम लोग शादी में रुके थे, और ये भी फुल नाइट शादी में रुके थे पूरी रात, गर्मी का टाइम था, पूरी रात हम लोग एक साथ थे शादी में। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये वहाँ शादी में थे, और ये बात ना हमें शादी के भी मतलब कई महीने बाद, शादी के बाद मतलब हमारा रिश्ता पक्का हो गया था ना, उसके बाद हमें पता चला था कि ये भी शादी में मौजूद थे उस वक्त, जो मेरी बुआ जी की बेटी की शादी थी उस टाइम ये भी मौजूद थे। तो ये बात मुझे रिश्ता होने के कुछ दिनों के बाद पता चला था, तो कुछ ऐसा हुआ था हमारा, मतलब पहली मुलाकात अजनबियों की तरह हुई थी, मतलब बाद में ये बात पता चली कि अगर पहले से पता होता तो मतलब बात भी करते या कुछ होता, मतलब कुछ भी, लेकिन हमें कुछ भी मालूम नहीं था एक दूसरे को, अजनबी थे हम उस वक्त बिल्कुल। तो बस यही थी बात, मैं आज सुबह इनसे बोल भी रही थी कि आज पता है कौन सी तारीख है, आज 2 तारीख है, तो ये कह रहे थे कि कौन सी 2 तारीख, तो तब मैंने इन्हें याद दिलाया तो इन्हें याद आ गया था। तो कुछ डेट्स ऐसी होती है ना जो जिंदगी में हमेशा याद रहती हैं, तो वही है। तो मेरी भी 2 तारीख के साथ ये मेमोरी जुड़ी हुई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और बाकी फर्स्ट मुलाकात इनसे कैसे हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी, वो सब मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो ब्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो चलिए फिर इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।